हेलो और बढ़िया भाई, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। जैसा आपको पता था कि ग्रुप डी का पोर्टल खुल चुका है और उसके ऊपर प्रेफरेंस भरनी है, तो लॉगिन आप कर ही लोगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना एप्लीकेशन आईडी और ओटीपी डाल के लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, यहाँ तक मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका था। अब आपको मैं बताऊंगा दो तीन चीज़ें। एक तो सबसे पहली बात, एक गलती कर दी कई लोगों ने, मेरे पास एक ऑफिस में भी आया था। गलती क्या कर दी उसने, 10 पोस्ट वो भर दी जिस पे उसको पोस्ट पे जाना था, जबकि भरनी कौन सी थी, भरनी वो थी जिन पोस्ट पे आपको नहीं जाना, यानी कि जो पोस्ट आपको नहीं चाहिए वो 10 पोस्ट भरनी थी। लेकिन कि एक लड़के ने भर दी क्या जिस पे जाना था, वो होगी गलती। अब उसका सोल्यूशन नहीं हुआ, एचआरडी में मैंने कहा एचआरडी में जाके बात करो, तो आप ऐसी गलती मत करना, पूरी वीडियो देखना उसके बाद ही भरना। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा वेट करना, तो आपने वेट किया है काफी, मुझे पता है। तो आप देखो देखो, सबसे पहली बात अगर करें यहाँ पे लॉग इन करने पास, सबसे पहले रोल नंबर डालना आपको यहाँ पे, इसके बाद जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है वो डालनी है, फॉर्म भरा वो नहीं। हो सकता है दोनों सेम भी हो कि आपने बीसीबी से फॉर्म भरा, बीसीबी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फॉर्म आपने बीसीबी से भरा हो, सिलेक्शन हो गया हो जर्नल में, तो आपको यहाँ पे वो डालना है कैटेगरी इन इश्यू रिजल्ट, यानी कि जिस कैटेगरी में रिजल्ट इश्यू हुआ है, जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस डेट में ज्वाइनिंग हुई है वो डेट डालनी है यहाँ पे, ज्वाइनिंग डेट, टोटल नंबर ऑफ डेज अब्सेंट, अगर आपको अब्सेंट दिखाया गया, ऑफिशियली अब्सेंट दिखाया गया है तो यहाँ पे दिन डालो, 1, 2, 3, नहीं तो 0 डालो। कितने दिन की छुट्टी ली, ऑफिशियल छुट्टी, वैसे तो मुझे पता है बहुत से लोग तो गए नहीं, लेकिन ऑफिशियल छुट्टी जिसमें आपको सेंक्शन हो के आई हो छुट्टी, भाई इसकी 1 दिन की छुट्टी मंजूर की जाती है, अगर कोई है तो डालो 1, 2, 3 दिन, जो 10 दिन जो भी है, वरना यहाँ पे 0 डाल देना। आपको सैलरी कितने दिन की मिली है, जो आपको सैलरी मिली है वो कितने दिन की मिली है, वो यहाँ पे डे डाल देना। सैलरी कितने दिन की नहीं मिली है, यानी कि जितनी सैलरी मिलेगी वो ऊपर, जितने दिन की अभी बची हुई है वो यहाँ पे डाल देना। और अगला पूछ रहा है, क्या आप इससे पहले कभी हरियाणा सरकार में कहीं भी जॉब करते थे, तो अगर करते थे यस करो, अदरवाइज नो कर दो, तो उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना। तो मैं ये सारी चीजें भर के आगे चलता हूँ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरेंगे, फिर आगे भरेंगे पोस्ट प्रेफरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप कर लोगे, कर लोगे। अच्छा, वो चीज़ें मैंने भर दी है उसकी डिटेल, अब भरना है डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस। तो इस भाई की डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस इसने मुझे दे दी है कि भाई क्या प्रेफरेंस डालनी है। तो ये भाई जैसे शायद मेवात का है, तो इसने अपने हिसाब से प्रेफरेंस दी है। तो सबसे पहले इसकी जो प्रेफरेंस है वो है नुहू की, दूसरे नंबर पर इसकी जो प्रेफरेंस है वो है गुड़गांव की। आपकी अलग हो सकती है, मैं इसके हिसाब से भर रहा हूँ जो इसने गुड डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस दी है। तीसरी इसकी प्रेफरेंस है जी पलवल की, और चौथी है इसकी फरीदाबाद, फरीदाबाद ये रहा। उसके बाद है आपका रेवाड़ी, रेवाड़ी, इसके बाद है झज्जर, झज्जर, और इसके बाद है रोहतक, रोहतक, और उसके बाद है जी सोनीपत, सोनीपत। अब मैं ये देखता हूँ इसकी कि क्या पूरी 25 की 25 भरनी है या 2, 4, 5 से भी काम चल जाएगा, तो मैं इसको सेव करके देखता हूँ एक बार आगे। तो देखो ये कह रहा है सभी डिस्ट्रिक्ट को भरना है आपको, तो इसकी सारी भर देते हैं 25 की 25। देखो इसके बाद इसने कहा था बाकी जो अपने हिसाब से भर देना, तो यहाँ तक तो इसकी चॉइस चल गई। अब मैं इसके अपने हिसाब से भर देता हूँ, इसके ये जैसे मेवात का है तो उस हिसाब से, तो मेवात के हिसाब से इसका जो बनेगा भाई, और तो फिर इसका जो बनेगा वो तो फिर दूर दूर के ही हैं सारे, महेंद्रगढ़ भर देता हूँ, और फिर इसका दिल्ली भर देता हूँ, इसके बाद इसका भर देता हूँ, मैं भर देता हूँ फटाफट, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखो मैंने इसकी भर दी है, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस भर लेना, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको चाहिए आप वो भर देना, इस यहाँ तक तो आपकी चॉइस चलेगी, इसमें मेरा कुछ बताने का कुछ है नहीं। हाँ ये है जो गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात और आपका झज्जर, इन डिस्ट्रिक्टों के जो है इनको लगभग पहली प्रेफरेंस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कम लगते हैं तो चॉइस भी कम भरी जाएगी, तो इनको तो मिल जाएगी पहली चॉइस। बाकी जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, जींद, हिसार और भिवानी, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें थोड़ी सी कंपटीशन रहेगी, तो वो एक अलग मैटर, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ तक भर दिया, इसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेकबॉक्स क्लिक करो, सेव कर दो। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ये आई है, देखो नूह, गुड़गांव और पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, यहाँ तक इस भाई ने मुझे बताई थी, उसे आगे मैंने भरी अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ से ओटीपी जाएगा उसके पास, तो ओटीपी में उसके पूछ के और उसके डाल के आगे प्रोसेस कर देता हूँ। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब हो गया डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कंप्लीट, अब आ गई है कि प्रेफरेंस भरनी है आपको पोस्ट की। ध्यान देना यहाँ पे लिखा भी है टोटल 87 पोस्ट है, और आपको मिनिमम 1 और मैक्सिमम
10 पोस्ट लिखनी भरनी है, लेकिन कौन सी, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि जो पोस्ट आपको नहीं चाहिए। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, यू हैव टू सेलेक्ट टू मिनिमम वन पोस्ट, वन टू मैक्सिमम 10 नॉट इंटरेस्ट इंटरेस्टेड पोस्ट, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है वो पोस्ट भरनी है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ने भर दिया जिसमें इंटरेस्ट है वो, तो वो गलत है। यहाँ भी लिखा हुआ है स्पेशल कि मैक्सिमम 10 पोस्ट भर दो। अब ये 10 पोस्ट में आपको वो दिखाऊंगा जिनमें आपको लगता है कि यार पोस्ट तो इसमें बहुत बेकार बेकार बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भरनी है आपको जिसमें आपको लगता है कि इसमें फंस सकता हूँ। कुछ पोस्ट ऐसे जिनकी सेंक्शन पोस्ट एक या दो, जो वो वैसे भी नहीं मिलनी, तो फिर क्यों भरनी वो, हम क्यों 10 में खराब करें उसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी उसी हिसाब से भर लेना। ये 10 पोस्ट पूरे हरियाणा के लिए सेम रहेगी, आप नोट कर लेना इस चीज को। ठीक है, चलो अब मैं इसको भर के दिखा देता हूँ कौन सी 10 पोस्ट में क्लिक कर रहा हूँ, एक बाई एक दिखाता हूँ। सबसे पहले एक पोस्ट है 6 नंबर पे, बार बार नाई, पुलिस विभाग गृहरक्षी विभाग में बाल व दाढ़ी काटने वाला, इसको क्लिक कर दो, बहुत ये आपके काम की पोस्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे ब्लैक स्मिथ है, अब यहाँ पे पुलिस से संबंधित है लेकिन यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है इस चीज की इतनी, तो अगर इसको भरोगे तो आपकी 10 पोस्ट हो जाएगी खराब। आपको 10 पोस्ट वो भरनी है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिनमें जाने के चांस ज्यादा है, क्योंकि देखो 10 से ज्यादा तो भर नहीं सकते। तो वैसे तो किस्मत चलेगी यहाँ पे कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इतना तो कि मैं जो कह दूं वही होगा, लेकिन मैं वो 10 पोस्ट बता दूंगा जहां से आपको बचने का मौका मिल जाएगा, यानी कि वहां पे अगर बच गए तो हो सकता है आप ढंग की जगह चले जाओ। ठीक है, चलो इसको अभी नहीं छेड़ते हम, और देखते हैं केयर टेकर, देखो पुलिस विभाग के, ज्यादातर आपको पुलिस विभाग से बचना है, बस मेन बात ये है। अब ये जो केयर टेकर है पोस्ट पुलिस की, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसी पोस्ट ही नहीं, इसमें कोई इक्की दुक्की पोस्ट है, तो इसमें भरने की जरूरत नहीं है। ये जो है कारपेंटर, ये भर दो भाई, ये है वहां पे फर्नीचर बनाने वाला जो होता है वो वाला, तो इसको मैं कह रहा हूँ अभी सेलेक्ट कर लो, बाकी 10 से अगर ज्यादा जाएगी तो बाद में देख लेंगे, पर अभी इसको सेलेक्ट कर लेते दो पोस्ट। ठीक है, और आ जाओ नीचे, पहले पुलिस विभाग को देखते हैं। अभी है कोबलर मोची, ये सबसे पहले इसको करो क्लिक, समझ गए, आगे आ जाओ, दफ्तरी है इसको छोड़ दो, ये ठीक है, वैसे इसकी ज्यादा पोस्ट भी नहीं लेकिन फिर भी छोड़ दो। इससे नीचे वाली 21 पोस्ट है धोबी, इसको क्लिक कर दो, समझ गए, आ जाओ और नीचे आ जाओ, ये इलेक्ट्रीशियन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो पुलिस में है, और आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये जो है ना, ये कैनल मैन, डॉग हैंडलर, ये कोई खास पोस्ट नहीं है पुलिस की, लेकिन इसमें पोस्ट मतलब पद है ही नहीं इतने, तो इसको मत छेड़ो अभी। ये खलासी, इसको भी छोड़ दो अभी, ये भी इतनी ज्यादा नहीं है, कोई खुद की पोस्ट है। किचन अटेंडेंट है, ये भी पोस्ट है, ये कोई रेयर ही कहीं पे है, पूरे हरियाणा में नहीं है यार ना ये। ठीक है, ये जो लेबरर है ये भी इतनी नहीं है, ये भी नहीं है, माली। अब देखो ये जो माली है ना, अब ये माली कई डिपार्टमेंट में होता है, ये माली हॉर्टिकल्चर में भी होता है, ये माली आपका इसमें पीडब्ल्यूडी में भी होता है, ये माली आपका नगर निगम जो इसमें भी होता है, और ये ही माली आपका एक दो जगह पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है। तो अब इसको आप भरना चाहो तो देख लो, ये कुछ भी मिल सकता है आपको, तो मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं पहले और भरना चाहता हूँ। ठीक है, ये राजमिस्त्री है, ये भी छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है, ये पुलिस डिपार्टमेंट पोस्ट है लेकिन कुछ भी नहीं है। पेन ड्राइव, इसको भी छोड़ दो अभी, परेड अटेंडेंट है, मेन है, प्लम्बर भी छोड़ दो, सीवरेज भी छोड़ दो अभी, ये भी नहीं है, पुलिस विभाग का ट्यूबवेल ऑपरेटर, जलवाहक, वाटर कैरियर है, वाटर कैरियर कम कुक है। देखो भाई अब जो ये है ना, वाटर कैरियर कम कुक, एक तो ये सेलेक्ट कर लो, 87 पोस्ट है ना, और एक ये जो जलवाहक का वाटर कैरियर, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो पुलिस डिपार्टमेंट की। कितने हो गए, दो और तीन, चार, पाँच, छः, छः हो गए, चार और भरनी है अभी, चलो चार और बताता हूँ। अब देखो वैसे तो कुली जो पोस्ट है भी बेकार सी है, लेकिन ये कोई रेयर ही कहीं पोस्ट है, अभी इसको भरने की कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक है, बहुत रेयर कहीं है। एक जो पोस्ट है जो मेरे को अभी याद आई है, देखो सबसे बेहतरीन पोस्ट ये है, लेकिन अब यहाँ पे बेहतरीन नहीं भरनी फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे ये भरनी है जो आपको नहीं चाहिए, तो इसको भर नहीं सकते हम अभी, बढ़िया पोस्ट है। अभी एक जो पोस्ट है, ये जो माली वाली पोस्ट थी, कहाँ गई, माली, कहाँ गया यार, ये भर सकते हो भाई, मैं इस लड़की भर रहा हूँ तो ये पोस्ट मैं इसकी छुड़वा रहा हूँ माली की, और ये जो माली कम चौकीदार है इसको भी छुड़वा रहा हूँ इसकी मैं।
एक जो इसकी है ना, एक पोस्ट जो मैं देख रहा हूँ वो नहीं मिल रही। देखो अब यहाँ पे एक चीज और बचानी, अगर आपको हेडक्वार्टर से बचना है, अगर आपको हेडक्वार्टर में नहीं जाना तो इस पोस्ट को खास कर भर देना भाई, पीएन हेड ऑफिस, पीएन फील्ड ऑफिस, अलग अलग से ये चीज ध्यान देना, वरना ऐसा ना हो कि आपको हेडक्वार्टर में फेंक दिया जाए और आपको इच्छा ना हो। तो एक ये पोस्ट मैं इस लड़के की भर रहा हूँ क्योंकि हेड को इसकी चॉइस अपने होम डिस्ट्रिक्ट की है, तो ये हेडक्वार्टर नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं इसको जरूर भर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि क्योंकि पीएन की पोस्ट सबसे ज्यादा है और पीएन की पोस्ट ज्यादातर मिलेगी, तो ऐसा ना हो कि पीएन के चक्कर में इसको हेडक्वार्टर में फेंक दिया जाए, फिर ये कहिए क्या हुआ। तो मैं इसकी एक पोस्ट ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब शायद हो गई 9 या 10, चेक कर लेता हूँ मैं। अभी 9 हुई है, एक और है 10, 10 भी और भरनी है, वो मैं और दिखा देता हूँ आपको तो कौन देखो सी। एक एक पोस्ट रह गई थी, अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है, ये जो कुक है ये रह गया था उस टाइम पे, शायद ध्यान नहीं दिया, और मैंने उसकी जगह पीएन जो हेडक्वार्टर वाली वो हटा दी, क्योंकि जब इसका मैंने हेडक्वार्टर वाला 25वें नंबर पे डिस्ट्रिक्ट डाला है तो जाहिर सी बात है उसको ये नहीं मिलेगी, तो फिर क्यों एक प्रेफरेंस खत्म करनी। तो ये जो पोस्ट थी ना, ये वाली पीएन हेड ऑफिस, ये मैंने इसकी हटा के वो वाली सिलेक्ट कर दी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 10 पोस्ट मैंने आपको दिखा दी जो जो थी, आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ से सेव कर देते हैं, यहाँ से सेव, उसके बाद भी शायद ओटीपी जाएगा। ये कह रहा मैंने प्रासंगिकता पुष्टि कर दी है, तो मैं इसके बाद एग्री हूँ, तो एग्री करते ओटीपी चला जाएगा। तो यहाँ से देखो सेव कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस, ये इसकी प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट की और ये इसकी है 10 पोस्ट। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो बेसिस इसका, ठीक है। बाकी मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम के लिंक मैंने दे दिया है। मेरे हिसाब से ये वो पोस्ट है जिसपे आपको बचना चाहिए, पोस्ट तो और भी बहुत सारे, लेकिन ये वो है जिनकी संख्या ज़्यादा होती है और जिनमें चांस ज़्यादा होते हैं जाने के। ठीक है जी, तो इसको आप यहाँ से, इसकी प्रिंट हो गया, इसका सारा काम कंप्लीट, अब बस प्रिंट लेना है यहाँ से। तो ये प्रिंट लेने के लिए, तो ये थी वीडियो भाई, आप अपना भर लेना अपने हिसाब से। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो। अपनी तरफ से मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की इस भाई के लिए, अब इसकी किस्मत देखते क्या है कि जो बची हुई पोस्ट उसमें से इसको क्या मिलता है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।